और फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं बच्चों जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले क्लास में गति और उसके नियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गति के बारे में बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डाला था बच्चों और उसमें न्यूटन का प्रथम गति नियम भी था और न्यूटन का द्वितीय गति नियम था लेकिन न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में हम लोग ओल्ड मैथमेटिक्स के आधार पर जो है उसका डेरिविएशन एफ इज इक्वल टू एम ए प्राप्त किया था तो चलिए आज हम लोग उसी फॉर्मूला को आज कलन विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं कैलकुलस मेथड से हम लोग प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज जानना है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है तो मैं उसी पर चर्चा करूंगा बच्चों आज को कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है सबसे पहले यहाँ पर उसका मैं परिभाषा को लिख देता हूँ तो चलिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है उसी पर हम लोगों आज चर्चा करना है न्यूटन का द्वितीय गति नियम द्वितीय गति नियम तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखता हूं बच्चों इसका परिभाषा काफी आसान होता है उसको याद रखना भी आप लोगों के लिए काफी सरल हो जाएगा देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है में में परिवर्तन संबेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के आरोपित बल के समानुपाती होता है आरोपित बल के समानुपाती होता है बच्चों तो ये बहुत आसान डिफिनेशन है सेकेंड लॉ है ना अब न्यूटन का तो इसमें होता क्या है देखिए बल समानुपाती होता है बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन का दर मतलब यहाँ पर संवेग आएगा और नीचे में समय आ जाता है तो यही चीज को हम लोग न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहते हैं तो इसका आज हम लोग उपयोग करेंगे इस नियम का और हम लोग डेरिवेशन प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ मानते हैं बच्चों देखिए माना कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु m द्रव्यमान का कोई वस्तु पर dt समय में dt समय पर f बल f बल आरोपित करने पर dt समय पर f बल आरोपित करने पर करने पर वस्तु का वस्तु का वेग बदल कर डी भी हो जाता है डी भी हो, हो जाता है तो वस्तु का तो वस्तु डी टी समय में तो वस्तु का डी समय में संवेग परिवर्तन कितना होगा बच्चों संवेग परिवर्तन तो वस्तु का डी समय में संवेग परिवर्तन तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम डी भी इसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों डी कहेंगे डी इसको हम लोग कहते हैं ये डी क्या है बच्चों ये संवेग है है कि नहीं हम लोग संवेग को पी से इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मोमेंटम को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग अब देखिए नियम के अनुसार न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार तो यहाँ लिखेंगे नियम के अनुसार तो देखिए नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों तो एफ़ हम लोग बल आरोपित किए ये समानुपाती किसका किसका होगा डी पी बटा डी टी का तो ये संवेग में परिवर्तन की दर हो जाता है तो हम लोग हम कॉन्स्टेंट को है ना बैठाएंगे समानुपाती को हटा करके तो F इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग K बैठाएंगे और ये हो जाएगा dp पी बाय डी टी जहाँ के क्या है बच्चों तो यहाँ लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है जहां के एक नियतांक है नियतांक है है कि नहीं जिस जिसे हम लोग बल नियतांक भी कहते हैं जिसे बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट भी हम लोग कहते हैं जिसे बल नियतांक कहते हैं एस आई मात्रक पद्धति में मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था तो एस आई मात्रक पद्धति में इसका मान एक होता है एस आई एम के सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका मान एक होता है एस आई मात्रक पद्धति में एस आई मात्रक पद्धति में के का वैल्यू जो होता है वो वन होता है तो यहां पर हम लोग वन बैठाएंगे बच्चों तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा है कि ना डी पी बाय यहाँ पर डी टी अब हम लोग डी पी का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो डेट सिंपलाइज एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा डी पी का वैल्यू है मेरा देखते हैं एम तो एम हो गया और ये डी भी बाई यहाँ से हो जाएगा डी टी अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं बच्चों की डी भी बाई डी टी इज इक्वल टू तो ए होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग तोरण कहते हैं तो डेट सिम्पलाइज एफ इज एकवल टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम इन टू ए तो इस प्रकार भी हम लोग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं f इज इक्वल टू एम ए का जहां एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान है और ए जो है वो वस्तु पर उत्पन्न त्वरण है तो इसी प्रकार जो है हम लोग डेरिवेशन उसको प्राप्त करते हैं तो इसके लिए संदर्भ में बहुत आसान है मान लिए ले, मान लेते हैं कि मान देखिए यहां पर एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं बहुत आसान सा प्रश्न है कि देखिए किसी देखिए 5 केजी 5 केजी द्रव्यमान का 5 केजी द्रव्यमान का किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर है कि नहीं दस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए का त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण उत्पन्न करने के लिए वस्तु पर या द्रव्यमान पर द्रव्यमान पर आरोपित बल का गणना करें आरोपित बल का गणना करना है या गणना करें तो कितना होगा मान लीजिए कि 5 के जी द्रव्यमान का कोई वस्तु है मेरे पास और उसमें हमको दस मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करना है तो मैं उस पर कितना बल आरोपित करूंगा तो ये समीकरण से आप आसानी से लगा सकते हैं तो यहाँ वस्तु का जो द्रव्यमान है बच्चों एम जो दिया हुआ है वो कितना है फाइव के जी है और जो तुरन जो दिया हुआ है वो दस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसमें उत्पन्न करना है तो समीकरण का प्रयोग करेंगे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए तो एफ एम का मान हो गया पाँच और ए का मान हो गया दस तो इसका मतलब हो गया हमको उसमें पचास न्यूटन का बल आरोपित करना पड़ेगा तो यह मेरा आंसर होगा तो ये बहुत आसान सा चीज़ है बच्चों तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और इस जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बल को हम लोग कितने तरह से माप सकते हैं या मापते हैं है कि नहीं बल को हम लोग कितने तरह से मापते हैं तो द्रव्यमान को बच्चों देखिए सबसे पहला बात यहां पर आता है बल के मापन करने से पहले हम लोगों को यह बात जानना पड़ेगा कि द्रव्यमान को हम लोग कितने श्रेणी में विभाजित करते हैं द्रव्यमान तो विभाजित नहीं होता है लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से द्रव्यमान को दो तरह से विभाजित किया जाता है एक को कहा जाता है जड़त्वीय द्रव्यमान लेकिन इनर्सियल मास उसको कहा जाता है जड़त्वीय द्रव्यमान और दूसरे को हम लोग को कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान है कि नहीं इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान एक को कहते हैं जड़त्व द्रव्यमान और दूसरे को हम लोग को कहते हैं है द्रव्यमान मतलब जड़ द्रव्यमान का कहने का मतलब हो गया कि किसी वस्तु में यदि हम बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वो द्रव्यमान में है कि नहीं परिवर्तित होने के बाद जो है कि द्रव्यमान का रूप क्या हो जाता है है कि नहीं तो उसी को हम लोग जड़ती द्रव्यमान कहते हैं गुरुत्व द्रव्यमान मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किस द्रव्यमान को गिराइएगा तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग गुरु द्रव्यमान कहेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसी का परिभाषा देते हैं बच्चों की जड़तु द्रव्यमान क्या होता है देखिए जड़त द्रव्यमान क्या होगा इसको हम लोग कहते हैं जड़त द्रव्यमान तो जड़ द्रव्यमान हम लोग किसको कहते हैं तो देखिए किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने पर है कि नहीं किसी देखिए किसी वस्तु पर इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं देखिए किसी वस्तु पर बाह्य बल है कि नहीं किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने पर आरोपित करने पर आरोपित करने पर बाह्य बल आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न उसमें उत्पन्न उसमें उत्पन्न त्वरण है कि नहीं, नहीं। उसमें उत्पन्न त्वरण त्वरण के माप को है कि ना उसमें देखिए किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के माप के लिए हम लोग जड़ द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं तो किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल है कि नहीं करने पर उसमें उत्पन्न त्वरण के माप के लिए माप के लिए जड़ द्रव्यमान का हम लोग प्रयोग करते हैं जड़ द्रव्यमान है कि नहीं एक मिनट जड़त्वीय द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान का उपयोग करते हैं का उपयोग करते हैं बच्चों अब हम लोग कहेंगे कि गुरुत्व द्रव्यमान का प्रयोग कैसे करते हैं गुरुत्व द्रव्यमान का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं तो इसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं गुरुत्व द्रव्यमान तो गुरुत्व द्रव्यमान में हमेशा कि किसी देखिए यदि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना त्वरण उत्पन्न होता है इसके माप के लिए हम लोग गुरुत्वर द्रव्यमान का प्रयोग वहां पर करते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन देखिए गुरु गुर्त्व, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल जो भी कहिए गुरुत्व बल के अधीन के अधीन किसी द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण किसी द्रव्यमान में किसी द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के माप के लिए है या गुरुत्व त्वरण भी आप कह सकते हैं कि गुरुत्व द्रव्यमान के अधीन किसी द्रव्यमान में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण गुरुत्व त्वरण के माप के लिए गुरुत्व त्वरण के माप के लिए माप के लिए गुरुत्व द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान का उपयोग करते हैं बच्चों तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं उपयोग करते हैं मतलब क्या हुआ इसका कि द्रव्यमान क्या दो दो तरह के द्रव्यमान होते हैं नहीं द्रव्यमान दो तरह के नहीं होते मान लेते हैं कि समझने का प्रयास करिए कि जैसे कि यहां पर मान लेते हैं कि ये मेरा एम द्रव्यमान है तो इस द्रव्यमान पर यदि हम बल लगाते हैं एफ और इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है तो इस तरह के द्रव्यमान के लिए हम लोग वहाँ पर द्रव्यमान को मान लेते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान का गुरुत्व या जड़त्व प्रॉपर्टी जो है डोमिनेट कर रहा है बच्चों यहाँ पर सामने आ रहा है है कि नहीं कि हम लोग को जड़त्व को पार करने के लिए मतलब द्रव्यमान के जड़त्व को पार करने के लिए मुझे कितना बल लगाएंगे सुपिंड पर कितना बल उत्पन्न होगा तो इस तरह के मापन के लिए हम लोग जड़त्व द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं वहीं यदि मान लेते हैं कि इसी द्रव्यमान को यदि हम लोग किसी ऊंचाई पर रख देते हैं और उसे स्वतंत्र गिरने के लिए छोड़ देते हैं तो उस गिरते हुए पिंड पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा तो इस प्रकार के त्वरण के माप करने के लिए हम लोग वहाँ पर गुरुत्व द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं द्रव्यमान दो प्रकार के नहीं होते लेकिन अलग अलग है कि नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए बल की दो कैटेगरी होती है, है कि नहीं कि हम एक बल हम आरोपित कर रहे हैं और एक बल गुरुत्वाकर्षण के कारण लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन करने के लिए द्रव्यमान को वहाँ पर गुरुत्व द्रव्यमान के संदर्भ में देखा जाता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाए तो जब हम लोग किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो वहां पर जो द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग जुड़ते द्रव्यमान हैं चलिए इसको हम लोग आगे भी समझते हैं बच्चों ये चीज़ चीज़ है इसके लिए हम लोग इसको समझेंगे देखिए मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर यदि कोई द्रव्यमान रखा हुआ है है कि नहीं किसी पृथ्वी की सतह पर मान लेते हैं कि यह द्रव्यमान रखा हुआ तो इस इस सतह पर यदि इसको हम क्षेतीसतः बल आरोपित करेंगे तो ये वस्तु इधर गति करेगा तो इस संदर्भ में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है यदि किसी वस्तु क्षेतीस है कि दिशा में यदि गति करता है पृथ्वी की सतह पर स्थिर रह करके तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है बस जो याद रखिएगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल इसमें काम नहीं करता है तो इस संदर्भ में हम लोग यहां पर इस वस्तु के द्रव्यमान को जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं ये क्या हो जाता है इनर्शियल मास हो गया समझ में आ गया कि यदि पृथ्वी की सतह जैसे कि मेरा यहाँ पर अभी कलम रखा हुआ है बच्चों और इसमें इसमें हम जब बल आरोपित करेंगे तो ये इस बल वस्तु के गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी नहीं हुआ है कि नहीं तो यहाँ पर उस वस्तु का द्रव्यमान को हम लोग झड़ द्रव्यमान के रूप में मापन करेंगे लेकिन वहीं पर यदि मान लेते हैं कि यह कलम का कैप है मेरे पास और इसको हम लोग गिराते हैं बच्चों तो इस अवस्था में क्या होता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है किसी अन्य वस्तु के द्वारा आरोपित बल यहाँ पर शून्य है तो हम लोग पृथक रूप से समझ सकते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही कार्यरत हो रहा है इसीलिए द्रव्यमान को हम लोग गुरुत्व द्रव्यमान के रूप में समझते हैं द्रव्यमान दो प्रकार के नहीं होते हैं बस उसका अध्ययन करने के दृष्टिकोण से उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं कि एक होता है जड़त्व द्रव्यमान और एक होता है गुरुत्व द्रव्यमान तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस अवस्था में हम लोग जड़त्व द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं और किस अवस्था में हम लोग गुरुत्व द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं तो उसी के कारण जो है हम लोग यहां पर बल का इकाई देंगे मात्रक देते हैं चलिए बल का मात्रक हम लोग देखेंगे वो जड़त्वीय द्रव्यमान के आधार पर इसका मात्रक को देंगे किसके आधार पर देंगे लिख देता हूं कि जड़त्वीय द्रव्यमान के आधार पर इसको हम लोग इंग्लिश में इनर्शियल मास भी हम लोग कहते हैं इसको हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं बच्चों इनर्शियल मास तो आखिर ये होता क्या है चलिए इसको हम लोग देखते हैं बच्चों है कि नहीं देखिए इकाई द्रब्यमान, इकाई द्रव्यमान द्रव्यमान के किसी वस्तु में इकाई त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु पर लगाया गया बल को ही हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं बच्चों तो क्या हम लोग क्या कहेंगे देखिए इकाई द्रव्यमान के इकाई द्रव्यमान के इकाई द्रव्यमान के वस्तु पर इकाई तोरण उत्पन्न करने के लिए या एकांक तोरण भी आप लोग कह सकते हैं एकांक तोरण उत्पन्न करने के लिए एकांक तोरण उत्पन्न करने के लिए लेकिन एकांक तोरण उत्पन्न करने के लिए के लिए लगाया गया बल लगाया गया बल है कि नहीं न्यूटन कहलाता है लगाया गया बल न्यूटन कहलाता है इस बात को आप लोग याद रखिएगा तो यहां पर न्यूटन हमने कहा कि जैसे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए हुआ बच्चों तो न्यूटन आप जानते हैं कि न्यूटन जो मात्रक होता है

कहते हैं तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं दूसरे शब्दों में तो हमने क्या कहा एकांक किलोग्राम एकांक केजी द्रव्यमान के द्रव्यमान के वस्तु पर है ना वस्तु पर एकांक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए सॉरी का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने के लिए है कि नहीं वस्तु पर, पर आरोपित बल वस्तु पर आरोपित बल न्यूटन कहलाता है न्यूटन कहलाता है तो इसको न्यूटन को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं तो अब हम लोग इसको तो देखें कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में तो अब हम लोग सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट में यदि हम लोग हम परिभाषित करेंगे तो वहीं हम लोग जानते हैं कि सी जी एस सिस्टम यूनिट में बल का मात्रक क्या होता है डाइन होता है क्या होता है बच्चों डायन होता है इसका मात्रक तो जब हम लोग डायन का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम लोग द्रव्यमान को हम लोगों को ग्राम में लेना पड़ेगा और त्वरण सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा तो डायन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे तो परिभाषित करते हैं सिंपल सा परिभाषा है कि एकांक ग्राम के द्रव्यमान एकांक ग्राम द्रव्यमान के वस्तु में वस्तु में एकांक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए का त्वरण के लिए उत्पन्न करने के लिए है कि नहीं वस्तु पर आरोपित वस्तु पर आरोपित वस्तु पर आरोपित बल डायन कहलाता है, है कि नहीं डायन कहलाता है बच्चों वो डायन नहीं डरावना वाला डायन भूत नहीं बच्चों है कि नहीं ये कौन सा डायन है ये मात्रक है बल का है कि नहीं तो इसको हम लोग डायन के रूप में परिभाषित करते हैं तो ये जड़त्व द्रव्यमान था बच्चों तो चलिए आज हम लोग उसी तरह परिभाषित करते हैं कि गुरुत्व द्रव्यमान के रूप में बल का परिभाषा और उसका मात्रक किस प्रकार दिया था गुरुत्व द्रव्यमान के टर्म में है कि नहीं गुरुत्व द्रव्यमान के संदर्भ में बल का मात्रक हम लोग कैसे देंगे गुरुत्व द्रव्यमान के संदर्भ में तो चलिए तो जैसे कि आप लोग कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के के अधीन किसी वस्तु पर यदि कोई पिंड गिरता है तो उसमें गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है तो कितना त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों तो आप लोग जानते होंगे नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है उसमें है कि नहीं तो उतना त्वरण उत्पन्न करने के लिए है कि नहीं जितने द्रव्यमान का हम लोगों को कितना द्रव्यमान का आवश्यकता पड़ेगा तो एकांक द्रव्यमान का तो हम लोग क्या यहाँ पर परिभाषित करेंगे कि की एकांक किलोग्राम है कि नहीं समझिए एमके सिस्टम में एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसका परिभाषा दे रहे हैं बच्चों गुरुत्व है ना द्रव्यमान के संदर्भ में एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग उसका परिभाषा देंगे तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले गुरुत्व द्रव्यमान के संदर्भ में जो बल का जो मात्रक होता है ध्यान से समझिएगा इसका मात्रक जो होता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं है ना उसको हम लोग या तो एस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कहेंगे तो केजी वेट कहते हैं उसको केजी हाइफन दे करके हम लोग उसको वेट लिखते हैं केजी वेट होता है है कि नहीं या केज आप लोग किलोग्राम भार भी इसको कह सकते हैं इसका मात्रा बल का मात्रा क्या होता है किलोग्राम भार तो चलिए अच्छा हम लोग सब कुछ समझेंगे बच्चों तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में किसको कहते हैं देखिए इकाई इकाई किलोग्राम द्रव्यमान द्रव्यमान में है द्रव्यमान में गुरुत्व बल के द्वारा गुरुत्व बल के द्वारा आरोपित वह न्यूनतम बल गुरुत्व बल के द्वारा आरोपित वह न्यूनतम बल वह न्यूनतम बल जिसके कारण जिसके कारण है कि नहीं जिसके कारण वस्तु पर जिसके कारण वस्तु पर है कि नहीं क्या लिखेंगे नाइन पॉइंट एट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता हो त्वरण उत्पन्न हो जाता हो उत्पन्न हो, हो।, उत्पन हो जाता हो जाता हो उसे उसे क्या कहते हैं बच्चों उसे है कि नहीं उसे हम लोग किलोग्राम द्रव्यमा किलोग्राम उसे किलोग्राम भार कहते हैं उसे किलोग्राम भार कहते हैं या न्यूटन कहते हैं बच्चों याद रखिएगा उसे न्यूटन कहते हैं दोनों तरह से आप कह सकते हैं है कि नहीं हमने क्या लिखा कि एकांक किलोग्राम द्रव्यमान के गुरुत्व बल के द्वारा आरोपित वह न्यूनतम बल जिसके कारण वस्तु पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता उसे है उसे किलोग्राम है कि नहीं किलोग्राम भार कहते हैं या फिर उसे हम लोग न्यूटन कहते हैं तो जनरली बल की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल इक्वल टू एम इन होता है तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण है इसीलिए हम लोग इसको जी लिखना पड़ेगा बच्चों तो एम एम का मान यहाँ पर कितना है वन के है और जी का मान कितना है बच्चों तो हम लोग पहले का समझ लिए हैं कि नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसको हम लोग पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि एफ इज इक्वल टू कितना हो गया वन इंटू तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नाइन पॉइंट एट न्यूटन होगा इसका मतलब हो गया कि नाइन पॉइंट एट न्यूटन को ही हम लोग वन के जी वेट कहते हैं याद रखिएगा इस बात को कि नाइन पॉइंट एट न्यूटन को ही हम लोग वन के जी वेट हम लोग कहते हैं बच्चों तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि वन के जी वेट इज इक्वल टू क्या होता है नाइन पॉइंट एट न्यूटन तो इसका पूरी तरह से परिभाषा इसका मतलब हो गया कि गुरुत्व बल के अधीन यदि कोई वस्तु गिरता है तो वहां पर बल का जो मात्रक होता है वो के जी वेट हो जाता है बच्चों है कि नहीं वो वन के जी वेट यहाँ पर कितना होता है नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर होता है तो आप लोग इसको जनरली सी जी एस मात्र पद्धति में भी बच्चों डिफाइन कर सकते हैं सी जी एस मात्रक पद्धति में तो आप लोग जानते हैं कि सी जी एस मात्र पद्धति में कितना त्वरण उत्पन्न होगा

एकांक ग्राम द्रव्यमान के वस्तु में वस्तु पर बल का वह परिमान लिख सकते हैं कि बल का वह परिमान में शॉर्ट कर दिया डेफिनेशन को बल का वह परिमान बल का वह परिमान कारण जिसके कारण वस्तु में है कि नहीं जिसके कारण वस्तु में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता हो त्वरण उत्पन्न हो जाता हो त्वरण उत्पन्न हो, हो।, उत्पन हो जाता हो उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों ग्राम भार कहते हैं उसे ग्राम उसे ग्राम भार है कि नहीं आप कह सकते हैं ग्राम वेट भी कह सकते हैं ग्राम भार या फिर डायन कहते हैं दोनों के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे उसे डायन कहते हैं बच्चों तो बस वही वही एफ इज इक्वल टू एम ए का हम लोगों को या एम जी का प्रयोग करना है तो यहाँ एम का मान कितना हो गया वन ग्राम है और जी इज इक्वल टू नौ सौ अस्सी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पर लेना है तो आप दोनों को यहाँ पर वैल्यू को बैठा देंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नौ सौ अस्सी डायन हो जाएगा सॉरी 980 डायन हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि 980 डायन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों वन ग्राम वेट हो जाता है इसको हम लोग ग्राम वेट कहते हैं तो आप लोगों को हमको मुझे लग रहा है बच्चों के आप लोग अच्छी तरह से इन सभी बातों को समझ पाए होंगे बच्चों की द्र... बल को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों के एक जड़त द्रव्यमान के संदर्भ में और एक गुरुत्व द्रव्यमान के संदर्भ में तो जड़त द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान दोनों के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बल की पूरी डिफिनेशन मैंने यहाँ पर दे दिया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम हमको और क्या बतलाता है बच्चों है कि नहीं और इसके बारे में हम लोग इलुबरेट करेंगे और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसका नियम मुझे और क्या क्या आइडिया हम लोगों को देता है बच्चों क्या क्या मुझे बताता है तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम की विवेचना करते हैं है कि नहीं तो देखिए द्वितीय गति नियम की विवेचना हम लोग करेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों इस क्लास का एक ही मकसद है मैं जितना भी पढ़ाऊं या जितना भी बताऊं वो कम होगा क्योंकि इसमें इतनी रहस्य अंदर में छुपी हुई है कि इसको जितना आप खंगालने का प्रयास करिएगा उतना ही रहस्य जो है आपके सामने नया नया आता जाएगा है कि नहीं इसीलिए मैं किताब से एकदम बिल्कुल हट गया हूँ किताब में मुझे कोई मैं किताब का सिर्फ टॉपिक्स को आप लोगों के सामने मैं किताब का टॉपिक्स में तो छोटा मोटा परिभाषा दिया हुआ है और इसका माता दे कंप्लीट कर गया लेकिन वैसा नहीं मैं सब कुछ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मतलब एक एक चीज़ को ताकि मेरे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छी तरह से सब समझ में आ जाए तो अब देखिए यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में मुझे क्या क्या बतलाता है है कि नहीं देखिए न्यूटन द्वितीय गति नियम की विवेचना द्वितीय नियम की विवेचना हम लोग यहाँ पर करते हैं बच्चों देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है सच मानिए तो फिजिक्स जो है ना बच्चों एकदम ऐसा लगाव वाली सब्जेक्ट है बच्चों कि इसे जितना आप पढ़िएगा उतनी आपके अंदर जो है मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी बहुत ही मच मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स बच्चों तो इसको आप लोग एकदम क्या बोलते हैं बी कंसनट्रेट से देखिए वीडियो को तो चलिए हम लोग आज आगे पढ़ते हैं बच्चों और इसको जानने का प्रयास करते हैं तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम हो क्या हो गया एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए होता है है कि नहीं हम लोग जानते हैं बच्चों अब मान लेते हैं कि मेरे पास दो वस्तु है है कि नहीं मेरे पास कितने वस्तु है दो वस्तु है एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है इसका द्रव्यमान भी हमने एम मान लिया और इसका द्रव्यमान वस्तु हम लोग मैंने एम मान लिया मतलब दो, दोनों के द्रव्यमान को हम लोग कॉन्स्टेंट कर दिए बच्चों चलिए ठीक है तो इस वस्तु पर अब हम लोग एफ वन बल अलग अलग बल आरोपित करेंगे इस वस्तु पर एफ वन बल आरोपित करते हैं और इस वस्तु पर हम लोग एफ टू बल आरोपित करते हैं ठीक है अब क्या होगा कि इस वस्तु पर ए वन तो उत्पन्न हो जाएगा और इस वस्तु पर ए टू तोरण उत्पन्न होगा तो आखिर किस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा यह तो हम लोग को न्यूटन का द्वितीय गति नियम बताता है तो चलिए हम लोग जानते हैं है कि नहीं देखिए माना दो वस्तु माना दो वस्तु ध्यान से देखिएगा माना दो वस्तु जिसका द्रव्यमान क्रमशः है कि नहीं या जिसका द्रव्यमान एम है जिसका द्रव्यमान एम है है कि नहीं और इस पर और इस पर क्रमशः और इस पर क्रमशः है ना एफ वन तथा एफ टू एफ वन तथा एफ टू बल आरोपित किया जाता है F1 तथा F2 बल आरोपित किया जाता है कि नहीं जिससे 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 इस पर है कि नहीं जिससे इस पर क्रमशः जिससे इस पर क्रमशः ए वन तथा ए टू त्वरण उत्पन्न होता है है ना ए वन तथा ए टू उत्पन्न होता है तो क्या होगा बच्चों न्यूटन के हम लोग द्वितीय गति नियम से देखेंगे तो लिखेंगे नियम से नियम हमें क्या बताता है पहला वस्तु के लिए एफ वन इज एकवल टू एम ए वन हो जाएगा उसी प्रकार दूसरा वस्तु के लिए क्या हो जाएगा ये तो मेरा ख्याल पहले वस्तु के लिए था फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए था बच्चों मेरा पहले वस्तु के लिए था उसी प्रकार एफ टू इज टू कितना होगा एम ए टू ये किसके लिए हो गया ये सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हो गया ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हो गया अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे बच्चों चलिए इसको दोनों को डिवाइड करेंगे है कि नहीं दोनों को भाग देने पर दोनों को भाग देने पर नहीं दोनों को भाग देंगे तो इधर भाग हो जाएगा एफ वन बाय एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए वन बाय हो जाएगा एम ए टू तो एम MM एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो डेट सेम प्राइस हमको क्या प्राप्त हुआ एफ वन बाय एफ टू इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू तो यही हमको समीकरण तो आप देख पा रहे हैं कि वन बाय टू और यहां भी वन बाय टू इसका मतलब है कि बल समानुपाती त्वर का होगा तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बल समानुपाती हो गया त्वरण यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ये नियम से हमें क्या पता चलता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है कि नहीं नियत होता है तो कि है नहीं जिस वस्तु पर ज्यादा बल आरोपित किया जाता है उस वस्तु पर तुरंत होता है. यही नियम हमको रहा है, बच्चों। यह रहा है कि समान द्रव्यमान के वस्तु के लिए समान द्रव्यमान के समान द्रव्यमान के वस्तु के लिए वस्तु के लिए अधिक बल अधिक बल वाले वस्तु में अधिक बल वाले वस्तु में त्वरण भी अधिक उत्पन्न होगा है कि नहीं त्वरण भी अधिक उत्पन्न होता है लेकिन त्वरण भी अधिक उत्पन्न होता है बच्चों तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए कि यदि दो वस्तु का द्रव्यमान को कांस्टेंट कर दिया जाए और एक वस्तु पर हम लोग क्या किए कम बल आरोपित किए और एक वस्तु पर हम लोग ज़्यादा आरोपित किए तो किस वस्तु पर त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा जिस वस्तु पर मैं ज़्यादा आरोपित करूंगा तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम ये भी मुझे बतलाता है और एक बात है यहाँ पर बच्चों ये पहला कंडीशन था दूसरा कंडीशन क्या है अब हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे देखिए यहाँ पर दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम वन है और इसका द्रव्यमान एफ एम टू है और इस पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एफ बल इसमें भी आरोपित किया गया है और एफ बल इसमें भी आरोपित किया गया है चूंकि द्रव्यमान अलग अलग है इसलिए तोरण उसमें अलग अलग उत्पन्न होगा तो मान लेते हैं इसमें तो वन तोरण उत्पन्न होता है और इसमें ए टू तोरण उत्पन्न होता है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देखिए इसमें सेकंड के सेकंड स्टार देते हैं देखिए M1 तथा M2 द्रव्यमान M1 तथा M2 द्रव्यमान वाले M1 तथा M2 द्रव्यमान वाले दो वस्तु में दो वस्तु में है कि नहीं देखिए एप समान परिमान का एप समान परिमान का बल आरोपित करने पर समान परिमान का बल आरोपित करने पर वस्तु में क्रमशः वस्तु में क्रमशः ए वन तथा ए टू ए वन तथा ए टू उत्पन्न होता है ए वन तथा ए टू उत्पन्न होता है है कि नहीं होता है तो न्यूटन के नियम से क्या हो जाएगा द्वितीय गति नियम से तो देखेंगे नियम से क्या हो जाएगा बच्चों F इज इक्वल टू एम वन ए वन इसी प्रकार दूसरे वस्तु के लिए लिख सकते हैं हम लोग एफ इज इक्वल टू एम टू ए टू अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोनों को भाग देने पर लिखेंगे दोनों को भाग देने पर दोनों को हम लोग भाग दे देंगे बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा तो देखिए F बाय एफ इज इक्वल टू होगा एम वन ए वन बाई यहाँ पर भी होगा एम टू ए टू तो ये दोनों कट जाएगा बच्चों इधर तो वन हो गया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा एम वन ए वन इज इक्वल टू एम टू ए टू तो दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे देखिए एम वन बाय एम टू हो गया और इधर देखिए उल्टा हो जाएगा ए टू बाय ए वन होगा तो यहाँ देख रहे वन बाय टू और टू बाय वन इसका मतलब यह व्युत्कर्मानुपाति संबंधित हो गया नहीं तो कहने का मतलब हो गया कि एम व्युत्कर्मानुपाति वन बाय ए होगा इसका मतलब क्या हो गया बताइए इसका मतलब क्या हो गया कि यदि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पिंडों में यदि समान परिमाण का बल आरोपित किया जाए तो उस वस्तु में ज्यादा त्वरण उत्पन्न होता है जिसका द्रव्यमान कम होगा इस बात को आप लोगों को समझना होगा तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं बच्चों देखिए समान बल की स्थिति में समान बल की स्थिति में उस द्रव्यमान में ज्यादा त्वरण उत्पन्न होता है है ना उस द्रव्यमान में ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा त्वरण उत्पन्न होगा जिस पर जिस पर या जिस है कि नहीं या जिसका लिख सकते हैं है कि नहीं इसको काट देते हैं जिसका है कि नहीं जिसका द्रव्यमान कम होता है जिसका द्रव्यमान कम होता है बच्चों तो इस बात को याद रखिएगा इसका मतलब है कि यदि दो अलग अलग वस्तु है है ना एक का द्रव्यमान ज्यादा है और एक का द्रव्यमान कम होता है ना तो किस वस्तु पर ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा जिसका द्रव्यमान कम होता है है कि नहीं इसका मतलब है कि कम द्रव्यमान वाले वस्तु में हम ज्यादा त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं बनिस्पत अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु के तुलना में तो चलिए ये चीज हो गया तो अब हम लोग कहेंगे देखिए एक और यहाँ पर टॉपिक्स हम लोग का छूटता है बच्चों चलिए उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या करना है कि यहाँ पर द्रव्यमान अलग अलग है है कि नहीं और बल भी अलग अलग होगा लेकिन हम दोनों वस्तु पे समान त्वरण उत्पन्न करना है है कि नहीं इसमें टॉपिक्स नंबर तीन में क्या आता है बच्चों कि देखिए M1 तथा M2 M1 तथा M2 द्रव्यमान द्रव्यमान के वस्तु पर वस्तु पर समान त्वरण ए उत्पन्न करने के लिए है कि नहीं समान त्वरण ए उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने के लिए वस्तु पर क्रमशः वस्तु पर क्रमशः वस्तु पर क्रमशः f1 तथा f2 बल आरोपित किया जाता है है नहीं एफ वन तथा एफ टू बल आरोपित किया जाता है बल आरोपित किया जाता है तो अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के नियम से क्या हो जाएगा देख पा रहे हैं नियम से तो नियम से मुझे क्या प्राप्त होगा बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर एफ वन इज इक्वल टू एम वन ए समान त्वरण उत्पन्न करना है ये पहला वस्तु के लिए इसी तरह हो जाएगा एफ़ टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम टू ए भी होगा तो दोनों को हम लोग भाग देंगे लेकिन दोनों को भाग देने पर नहीं दोनों को भाग देने पर चलिए दोनों को हम लोग भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा देखिए एफ वन है ना बाय एफ टू इज इक्वल टू एम वन ए और इधर हो जाएगा एम टू ए तो ए ए कैंसिल होगा तो डेट सिंपलाइज क्या प्राप्त हुआ एफ वन बाय एफ टू इज इक्वल टू एम वन बाय एम टू हमको प्राप्त होगा बच्चों तो इससे आप लोगों को क्या अंदाजा हो रहा है यहाँ भी वन बाई टू है यहाँ पर भी वन बाई टू इसका मतलब है कि बल और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होगा तो कंक्लूजन मेरा निकलता है कि एफ समानुपाती एम होगा कब जब दोनों में त्वरण समान हो मतलब त्वरण नियत हो तो कहने का मतलब हो गया कि आरोपित बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, है कि नहीं कि जिसका हम लोगों को मान कि दो अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है और उसमें समान त्वरण उत्पन्न करना है तो किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा किस जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है याद रखिएगा है कि नहीं इसका हम लिख देते हैं कि देखिए कि समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक द्रव्यमान अधिक द्रव्यमान के वस्तु पर अधिक द्रव्यमान के वस्तु पर अधिक बल लगाना आवश्यक होता है अधिक बल लगाना पड़ता है अधिक बल लगाना पड़ता है बच्चों तो याद रखिएगा दो वस्तुएं छोटा है, है कि नहीं, मान लेते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान है पचास ग्राम और इस वस्तु का द्रव्यमान है 100 ग्राम ग्राम इसमें हमको दोनों में पाँच है ना पाँच सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है तो आप बता सकते हैं कि, कि किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा इस वस्तु पर जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस पर हमको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी तो ये था मेरा न्यूटन का तृतीय गति नियम का विवेचना वस्तु तो, है ना तो आप समझते हैं क्या क्या तीन नियम में न्यूटन के द्वितीय गति नियम को मैं समझ लिया नहीं अभी न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में और एक्सप्लेनेशन है बच्चों अभी अभी देखिए कि न्यूटन ने अपने समय में कितना एक्सप्लेन किया था कि गति के नियम में सिर्फ अपने तीन नियम का सहारा लेकर के है कि नहीं तो चलिए आज हम लोग उसी के जानने का प्रयास करते हैं तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम आज यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं आगे इसके बारे में और भी पढ़ना है बस अर्थे हम लोग नियम को आगे बढ़ाएंगे है नहीं यहां पर हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या होता है देखिए न्यूटन का तृतीय गति नियम न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या होता है तृतीय गति नियम ये तो बहुत ही आसान चीज है बच्चों न्यूटन का तृतीय गति नियम है कि नहीं देखिए जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह भी वस्तु हम पर उतना ही बल लगाता है बशर्ते बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है है कि नहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है है कि नहीं और ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है, है कि नहीं तो ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है तो ये भी वस्तु इस वस्तु पर बल लगाएगी तो क्या होगा बल का परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा देख पा रहे हैं एक दूसरे के विपरीत होता है ये चीज़ आप लोग जानते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी दीवार पर बॉल को मारते हैं तो मैंने बॉल एक्सीन दीवार की और फेंका तो मेरे द्वारा बॉल पर बल लगाया गया और बॉल जो है दीवार पर बल लगाता है तो यहाँ पर दो चीज़ का संपर्क हो रहा है दीवार पर बॉल स्ट्राइक किया मतलब बल लगाया बॉल दीवार पर बल लगाया तो दीवार भी बॉल पर उतना ही बल लगाएगा इसीलिए तो वो तुरंत रिटर्न होकर हमारे हाथ में ही आता है आप देखिएगा एक कोई बॉल को लीजिएगा और दीवार पर मारिएगा तो बॉल रिटर्न होकर के आपके हाथ में ही गिरेगा इसका मतलब है कि आपने बॉल को दीवार पर फेंका तो दीवार से भी तो आप पर फेंकने वाला कोई बल लगना चाहिए ना तो वो दीवार बॉल पर बल लगाता है समान परिमाण का लेकिन दिशा विपरीत होती है तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या होता है देखिए जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं देखिए जब हम किसी वस्तु पर जब हम किसी वस्तु पर वस्तु पर बल लगाते हैं जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी वस्तु भी समान परिमाण का है कि नहीं समान परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है है कि नहीं विपरीत दिशा में बल लगाती है लगाती है इसे न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं इसे न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं है कि नहीं इसे न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं बच्चों तो ये है कि नहीं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो तो तुरंत थो याद हो जाएगा या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी क्रिया के प्रति विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है है कि नहीं किसी क्रिया के प्रति किसी क्रिया के प्रति विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया है कि नहीं विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया को है विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया को न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं तृतीय गति नियम कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम बच्चों उसको हम लोग कहते हैं है कि नहीं तो देखिए इसको आप समझना है बच्चों मान देते हैं कि मेरे पास एक वस्तु है और यहां पर एक वस्तु है इस वस्तु का नाम है ए और इस वस्तु का नाम है बी तो वस्तु ए इस बी पर बल लगाएगी तो इस बल का नाम हो गया ए बी मतलब ए बी पर बल लगा रही है तो बी भी ए पर उतना ही परिमाण का समान परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगी तो इसको हम लोग नाम देते हैं एफ बी ए बी ए का मतलब हो गया कि बी ए पर बल लगा रही है, है कि नहीं तो ये दोनों बल समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होती है माना या चित्र के अनुसार हम पर लिख देते हैं देखिए चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार ए के द्वारा ए के द्वारा बी पर आरोपित बल ए के द्वारा बी पर आरोपित बल कितना हो गया तो एफ ए बी होगा इसी है ना तो क्या करेगा तो बी भी यहां लिखेंगे बी के द्वारा नहीं बी के द्वारा ए पर आरोपित बल तो B के द्वारा A पर आरोपित बल कितना हो जाएगा तो इसको हम लिखते हैं एफ बी ए हो जाएगा ये बात समझिए तो दोनों बल का परिमाण समान है कहने का मतलब है कि मॉड एफ ए बी इज इक्वल टू मॉड बी ए ये दोनों समान है परिमाण लेकिन दिशा विपरीत होती है इसीलिए दिशा को इंडिकेट करने के लिए क्योंकि बल एक जानते हैं आप लोग कौन सी राशि है बल एक सदीश राशि है तो इसकी दिशा यदि विपरीत होती है तो वहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है बच्चों तो यहाँ पर होगा एफ बी ए तो इसी को हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं ये बात को आप लोग अच्छी तरह से समझिए है कि नहीं तो आप लोग यदि कहिएगा कि जैसे कि और भी इसका बहुत सारा इम्प्लीकेशन है बच्चों हम लोग जैसे कि मानते कि किसी टेबल के फर्श के ऊपर यदि हम लोग किताब रखते हैं तो आप कहिएगा कि सर यहां पे न्यूटन का तृतीय गति नियम का कैसे प्रयोग हो रहा है है कि नहीं तो पहला यहां पर क्या हो गया कि टेबल टेबल पर रखा किताब टेबल पर रखा किताब है कि नहीं तो मान लेते हैं कि ये संतुलित बल के अधीन काम करता है बच्चों ये संतुलित बल है यहाँ पर इस बल का नाम हो गया संतुलित इसको बैलेंस फोर्स भी कहा जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं संतुलित बल है कि नहीं यहाँ पर संतुलित बल यदि काम नहीं करता तो किताब अपने स्थान से हिलने लगता बच्चों लेकिन यहां पर यहाँ पर किताब में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट या मोशन या गति नहीं है जिसके वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर संतुलित बल काम कर रहा है तो संतुलित बल किस अवस्था में तो किताब का अपना कुछ भार होगा बच्चों जो कि उद्वाधर नीचे की ओर काम करता है एम जी अब यदि किताब का भार भार भी एक प्रकार का बल है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि भार एफ इज इक्वल टू एमजी एमजी जो होता है एक भार है बच्चों है कि नहीं एक बल है तो ये एमजी बल टेबल पर लगा रहा है तो टेबल भी किताब पर बल लगाएगा समान परिमाण का इस ऊपर की और एक बल लगाता है जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं आर है कि नहीं याद रखिएगा प्रतिक्रिया बल हम लोग कहते हैं आर मतलब प्रतिक्रिया बल क्या हो गया जस्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं इसको हम लोग रिएक्शन फोर्स कहते हैं क्या कहते है? हैं प्रतिक्रिया बल कहते हैं है कि नहीं ये किसका प्रतिक्रिया बल है तो किताब के भार का प्रतिक्रिया बल है तो दोनों बल का परिमाण समान होता है दिशा विपरीत होती है इसलिए नेट फोर्स किताब पर कितना हो जाता है जीरो मतलब परिणामी बल बल्या किताब पर जीरो हो जाता है हमने क्या कहा कि किताब टेबुल पर बल लगाया जिसको हम कहते हैं एम जो किताब का भार होता है तो टेबुल भी किताब पर उल्टी दिशा में एक बल लगाएगा जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं आर जो कि परिमाण में एम के बराबर होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे देखिए कि किताब टेबुल पर किताब टेबुल पर एम जी एम जी ब्रैकेट में कर देते हैं भार है एम जी बल लगाता है एम जी बल लगाता है तो टेबुल भी है कि नहीं तो टेबुल भी किताब पर किताब पर आर प्रतिक्रिया बल लगाएगा आर प्रतिक्रिया बल लगाता है प्रतिक्रिया बल लगाता है जो परिमाण में जो परिमाण में एम जी के बराबर होता है जो परिमाण में एम जी के बराबर होता है इसका मतलब क्या हो गया कि R इज इक्वल टू एम जी होगा तो इस बल संतुलित बल के अधीन जो होता है वो किताब टेबल पर स्थिर रहता है तो यही संतुलित बल के अधीन जो है किताब टेबल पर स्थिर होता है और भी न्यूटन के तृतीय गति नियम का बहुत सारा उपयोग है बच्चों तो चलिए हम लोग बारी बारी उसका हम लोग चर्चा करते हैं तो और जैसे कि हम लोग पैदल चलते हैं बच्चों तो पैदल चलने की क्रिया में भी हम लोग के न्यूटन है ना न्यूटन का तृतीय गति नियम का हम लोग पालन करते हैं तो देखिए चलने की क्रिया हम लोग कैसे करते हैं चलने की क्रिया कभी आप लोगों ने चलने की क्रिया को कभी देखा है अच्छी तरह से कि हम लोग चलते हैं कैसे हैं है ना जमीन पर हम लोग धरती पर हम लोग किस प्रकार चलते हैं देखिएगा कि चलने के क्रम में क्या होता है कि हम लोग एक पैर से तिरछी रूप से जमीन को दबाते हैं और दबाने के बाद जो दूसरी पैर से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि चलने के क्रम में हम लोग तिरछा रूप से क्या करते हैं जमीन को दबाते हैं इस दबाने का मतलब हो गया कि तिरछी रूप से हम लोग जमीन पर एफ बल आरोपित करते हैं इस बात को आप लोग समझिए बच्चों है कि नहीं तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा मान लेते हैं कि ये धरती की सतह था यह सतह है ये जमीन है और जमीन पर मैंने क्या किया एफ बल आरोपित कर किया तो ये एफ बल है कि नहीं यहां से आपका दो प्रतिक्रिया के रूप में टूटेगा तो ये ये माने कि बॉडी है या पैर है ये पैर जो है ज़मीन को तिरछा रूप से दबाया आप देखिएगा मेरा पीछे वाला पैर जो क्या करता है जमीन को तिरछा दबाता है तो दबाने का मतलब हो गया कि वो जमीन पर एफ बल आरोपित करता है तो यहाँ से अब जमीन भी हमको प्रतिक्रिया बल देगा बच्चों तो प्रतिक्रिया बल की दिशा समान होती है इसका मतलब है कि इस दिशा में वो प्रतिक्रिया बल आर हमको देगा ये प्रतिक्रिया बल देगा बात को समझिए अब हम कह देते हैं कि मान लेते हैं कि एक कोण को ले लेते हैं कि ये है कि नहीं आप मेजर कर सकते हैं कोण भी तो ये थीटा कोण से जमीन को दबाया है कि नहीं पैर हमारे जमीन पर थीटा कोन से दबाता है तो इस प्रतिक्रिया का हम लोग दो, दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक इस दिशा में लेंगे और एक इस दिशा में लेंगे है कि नहीं तो ये बॉडी है मेरा है आप समझ रहे हैं कि ये मेरा पैर है जो कि तिरछा रूप से ज़मीन को दबा रहा है ऐप बल लगा करके तो जमीन पर भी उल्टा प्रतिक्रिया बल आर हम पर आरोपित करेगा जो कि परिमाण में समान होता है है कि नहीं यदि ऐसा नहीं होता कि मान लेते हैं कि यदि प्रतिक्रिया बल आरोपित जमीन के बल के बराबर नहीं होता तो क्या होता तो हम लोग पैर ज़मीन पर बल लगाते हैं और जमीन धस जाता है कि नहीं तो ऐसा ही होता है क्योंकि तो चूंकि ये परिमाण में आपस में बराबर होता है इसीलिए हमारे शरीर में हमारे द्वारा आरोपित बल का कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो ये बात को याद रखिएगा क्योंकि यह नेट फोर्स हम पर कुल बल जीरो हो जाता है हमारे ऊपर लगने वाला कुल बल यहाँ पर जीरो हो जाता है इसीलिए कोई भी क्षति नहीं पहुँचती अब जो पृथ्वी हम पर प्रतिक्रिया बल लगाया है अब ये कौन तो एंगल हो जाएगा ठीटा बचो तो आर जो हम लोग बल लेंगे देखिए इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस ठीटा और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आर साइन टीटा हो जाएगा इस बात को समझते होंगे नहीं हमने क्या बोला देखिए कि पैदल चलने की अवस्था में देखिए पैदल चलने की अवस्था में पैदल चलने की अवस्था में हम जमीन को नहीं हम जमीन को तिरछी रूप से नहीं? हम जमीन को तिरछी रूप से दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं तो मान लेते हैं कि माना कि जमीन पर आरोपित बल एफ है। जमीन पर, पर आरोपित बल आरोपित बल एफ है तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से है कि नहीं न्यूटन के तृतीय गति नियम से देखिए इस बल का इस बल का प्रतिक्रिया बल प्रतिक्रिया बल समान दिशा में लेकिन है नहीं? समान परिमाण का लिखते हैं इस है प्रतिक्रिया बल समान परिमाण का परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता है लेकिन विपरीत दिशा में काम करता है लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करता है विपरीत दिशा में कार्य करता है है कि नहीं तो अब क्या करते हैं देखिये देखिए प्रतिक्रिया बल का दो लंबवत दिशा में वियोजित लेते हैं देखिए प्रतिक्रिया बल का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं प्रतिक्रिया बल का दो लंबवत दिशा में दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं मान लेते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है एक तो हमको प्राप्त हुआ आर थीटा और हमको मिलता है एक आर साइन थीटा तो अब हमको बताइए कि आर थीटा की दिशा में तो हम गति कर रहे हैं बच्चों देख लीजिए फोटो को कि आर थीटा की दिशा में तो हम लोग गति कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आर थीटा जो है मुझे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है कि नहीं आर थीटा क्या करता है आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान करता है बल प्रदान करता है। वहीं आर साइन थीटा क्या करता है अब इस दिशा में मेरा तो पूरे बॉडी का वेट है भार है नीचे की ओर यह हमारे शरीर को संतुलित कर देता है आर साइन थीटा जो होता है हमारे चलने के दौरान क्या करता है हमारे भार को संतुलित कर देता है जिसके वजह से चलने के दौरान हमारे शरीर में कोई भार महसूस नहीं होता है तो आर साइन डेटा क्या करता है कि चलने के दौरान चलने के दौरान हमारे शरीर के भार को संतुलित करता है हमारे शरीर के भार को संतुलित करता है तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का कितना उपयोग है और भी उपयोग संतुलित कर देता है और भी इसका बहुत सारा उपयोग है बच्चों देखिए मान लेते हैं है कि नहीं आप लोग कभी देखे होंगे बच्चों कि बर्फ में चलना कठिन होता है क्यों है ना बर्फ में चलना हम लोगों के लिए कठिन होता है मान लीजिए कि बर्फ का यह स्लैब है और इसमें यदि आप पैदल चलते हैं तो आखिर क्यों होता है चलना कठिन क्योंकि वहां पर कि इस बल को आरोपित जो हम लोग तिरछी रूप से जो बल आरोपित करते हैं ऐप तो इस बल को आरोपित करने के लिए जमीन में एक बल और होना चाहिए ऐप जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं यदि ये बल नहीं होगा तो ये बल आरोपित कर ही नहीं पाएंगे है कि नहीं यदि घर्षण बल होगा ही नहीं तो हम लोग एफ बल आरोपित जमीन पर नहीं कर पाएंगे जमीन पर जब हम एफ बल आरोपित नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रतिक्रिया बल आर भी नहीं मिलेगा यदि प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा तो इस अवस्था में क्या होगा है कि नहीं प्रतिक्रिया बल यदि नहीं मिलता है बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि प्रतिक्रिया बल यदि जीरो हो जाएगा तो ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना तो हमारे भार को संतुलित करने वाला कोई भी बल होगा और ना ही हमें आगे बढ़ने के लिए कोई बल प्रदान करेगा तो जिसके वजह से क्या होगा हमारा बॉडी आगे नहीं जाएगा और बसरते हमारे द्वारा आरोपित किया गया बल से हम पीछे की ओर फिसल जाते हैं तो ये भी होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम का उपयोग तीसरा देखिए आप लोग देखते हैं मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं बच्चों है कि नहीं कि आप नौका में तैर रहे हैं किसी नदी पर हैं आप नाव है आप चला रहे हैं बच्चों इस नौका में हैं। है कि नहीं और आपका खेने वाला जो यहाँ पे नौका को जो खेने वाला जो एक क्या होता है एक है कि नहीं पत्थर होता है वो आपका खो गया है तो आप हमको बताइए कि अब हम नदी को कैसे आगे पार करेंगे तो आप क्या करते हैं नदी में बताइए आप कैसे पार करेंगे नदी को तो आप एक काम करिए नदी में क्या करते हैं कि आपके पत्थर बहुत सारा जमा कर लीजिए आप और उस पत्थर को उठाइए और आप आगे की ओर फेंकने के लिए प्रयास करिए आगे की ओर फेंकने का प्रयास करिए पत्थर को उठाइए और आगे की ओर फेंकने का प्रयास करिए जब आप पत्थर को आगे फेंकिएगा तो आप बल लगा रहे हैं आगे की ओर तो ये बल आपको कहाँ से मिल रहा है नाव से तो नाव से जो आप बल प्राप्त कर रहे हैं तो नाव भी आपको विपरीत दिशा में बल लगाएगा तो इसका मतलब है कि आपका नाव पीछे की ओर जाएगा तो आप धीरे 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 अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं है कि नहीं और मान लेते हैं कि आप जैसे कि और नाव का दूसरा भी प्रयोग है है कि नहीं हमें आपको डायरेक्टली बता देता हूँ बच्चों कि मान लेता कि आप नदी के किनारे में जब आप नाव से उतरते हैं और नाव आपका नदी में ही होता है ये यहाँ पे जल है और जब आप उतरते हैं तो उतरने के क्रम में आप नाव को पीछे की ओर दबाते हैं है कि ना तब तो आप आगे की ओर जाते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि जब आप नाव को पीछे की ओर दबाएं तब ना आप आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ तो पानी है यहाँ तो फ्रिक्शन बल शून्य है जिसके वजह से क्या होता है कि आपको ये बल लगाते हैं लेकिन प्रतिक्रिया बल आपको नहीं मिल पाता है है कि नहीं प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है जिसके वजह से आप पीछे की ओर फिसल जाते हैं और आप नाव में गिर जाते हैं तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है बच्चों न्यूटन के तृतीय गति नियम का है कि नहीं तो आप लोग वीडियो को बार बार देखें और अपने दैनिक जीवन में जो है कई प्रयोग करें जैसे कि आप डिब्बा का ढक्कन खोलते हैं बच्चों है कि ढक्कन वहाँ पर भी न्यूटन के तृतीय गति नियम का प्रयोग करते हैं है कि नहीं बहुत सारा क्रियाकलाप है बच्चों न्यूटन के तृतीय गति नियम का समझे ना आप ढक्कन को खोलते हैं वहाँ न्यूटन के तृतीय गति नियम का भी प्रयोग करते हैं है कि नहीं और भी बहुत सारा की चीज़ है तो आप लोग अपने से मैं तो बताने का जहाँ तक आप लोगों को सिद्धांत बता दिया बच्चों आप अपने से इसका इम्प्लीकेशन या अप्लीकेशन जो है आप अपने दैनिक जीवन में इसको खोजने का प्रयास करिए है कि नहीं तो आप लोगों को यदि न्यूटन के तृतीय गति नियम का मेरे बताने के अलावा यदि और भी कुछ उदाहरण यदि मालूम है तो आप लोग एक काम करिएगा कि उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में कितना न्यूटन के तृतीय गति नियम का प्रयोग को देखते हैं उपयोग को करते हैं है कि नहीं तो आज का दिन इतना ही रहेगा बच्चों कि मैंने न्यूटन के द्वितीय गति नियम और तीन नियम को मैंने कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा बच्चों उसमें हम लोग क्या करेंगे है कि नहीं हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलने की प्रतिक्रिया को तो मैंने आज बता दिया हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से कि घोड़ा गाड़ी की गति से उत्पन्न तोरण कितना होता है पुली प्रॉब्लम कैसे बनाए जाते हैं पुली का प्रॉब्लम आप लोग जानते होंगे कि घिरनी से संबंधित जो समस्याएं होती है बहुत है ना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं पुली का तो उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे उसके बाद मैं बता देता हूँ न्यूटन का तृतीय गति नियम है कि नहीं को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे द्वितीय गति नियम के सहारे से न्यूटन का द्वितीय गति नियम के सहारे से हम लोग प्रथम नियम को एक्सप्लेन करेंगे है कि नहीं उसके बाद हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अभी तो स्टार्ट हुआ है बच्चों मोशन है कि नहीं तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ठीक है बच्चों आज मैंने आप लोगों को जितना इस लेसन में बताया है उसको अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इसे नोट करने के बाद पुनः एक बार वीडियो को चला करके उस नोट को रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाए तो और साथ ही ये भी बोल बताने का प्रयास करूंगा बच्चों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने का प्रयास करें जितना अब बार आप लोग वीडियो को देखेंगे बच्चों उतनी बार आप लोगों के दिमाग में उस तथ्य का है कि नहीं चक्रण होगा रिवीजन होगा जिसको हम लोग को कहते हैं और रिवीजन होने से क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा है कि नहीं तो ठीक है बच्चों तो ये सब बातों को आप लोग अब ख्याल रखिएगा और है कि नहीं हमेशा इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए जिस प्रकार आज देखें उस तरह आगे आने वाले समय में भी देखें और क्या कहूँ बच्चों आप लोग हमेशा हंसते रहें खेलते रहें मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें आगे आने वाले सभी वीडियो को तो जो बच्चे हमारे आज क्लास में इस नए हैं तो सबसे पहले उसका काम होगा कि वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे है ना उसके बाद उस बेल आइकन बटन बटन को दबा करके है कि नहीं आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सगे संबंधी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ठीक है बच्चों आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद बच्चों लॉट्स ऑफ थैंक्स फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ें, जय हिंद बच्चों